एकलव्य विद्या संकुल। आज आप टॉपिक है विषय हिंदी धोरण छ इकाई पाँच धरती को महकाई साहित्य प्रकार कविता है। अब हम देखते हैं कविता का सरल अर्थ। बगिया के फूलों को देखो, वे हमेशा कैसे खुश रहते हैं। चाहे आंधी आए या बारिश, वे सबको हंसते हुए सहन करते हैं। सूरज की किरणों को देखो, वे प्रतिदिन धरती पर आती हैं। वे रात के अंधेरे को दूर करके सारे संसार को प्रकाशित करती हैं। दीपक को देखो, वह हरदम कैसे जलता रहता है। वह अपना हृदय जलाता है लेकिन दुनिया को उजाला देता है। आओ हम भी इंसान बने और संसार में अपना नाम रोशन करें, अपना यश फैलाएं। हम अच्छे अच्छे काम करें, हमारे अच्छे काम से यह धरती सुंदर एवं सुगंधित बने। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए कोष्टक में लिखिए। उसमें प्रश्न पहला है, खुश खुश कौन रहते हैं? सी फूल। सूरज की किरणें रोज खाली जगह पर आती है। डी धरती। तीसरा है, दीपक क्या जलाकर दुनिया को रोशनी देता है? बी हृदय। चौथा है, अपना अंतर जलाकर दीपक किसको रोशन करता है? ए दुनिया को। पांचवा है, हम अपने अच्छे सच्चे कामों से सारी खाली जगह को महकाई? बी धरती। प्रश्न दूसरा है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें पहला है, बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। दूसरा है, सूरज की किरणों को देखो रोज तरा पर आती है। तीसरा है, दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है। चौथा है, आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाएं। तीसरा है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। उसमें पहला है, जगत को रोशन करने के लिए दीपक अपना हृदय जलाता है। दूसरा है, सूरज की किरणें सारे संसार को चमकाती है। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उसमें प्रश्न पहला है, आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं? उसका उत्तर है, हमारे आसपास गेंदा, चमेली, गुड़हल और चंपा के फूल दिखाई देते हैं। दूसरा है, प्रकृति के तत्व कौन कौन से है? उसका उत्तर है, प्रकृति के तत्व पाँच हैं, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। प्रश्न तीसरा है, कौन फूलों को हंसने से नहीं रोक पाता? उसका उत्तर है, आंधी और पानी फूलों को हंसने से नहीं रोक पाते। प्रश्न चौथा है, धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? उसका उत्तर है, धरती को स्वच्छ बनाने के लिए कूड़े कचरे को इधर उधर न डालकर कूड़ेदान में डालेंगे। प्रश्न पांचवा है, जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसका उत्तर है, जग में नाम कमाने के लिए हमें सदा अच्छे काम करने चाहिए, दिनहीन लोगों की सेवा करनी चाहिए। प्रश्न छठा है, प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? उसका उत्तर है, प्रकृति से हमें हवा, पानी और प्रकाश मिलता है। प्रश्न पांचवा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें प्रश्न पहला है, फूल, सूरज और दीपक से हमें क्या सीख मिलती है? उसका उत्तर है, फूल हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, सूरज अंधेरा दूर करके हमें प्रकाश देता है, दीपक स्वयं जलकर जग को रोशन करता है। इन तीनों से यह सीख मिलती है कि हमें प्रत्येक परिस्थिति में खुश रहकर अपना काम करना चाहिए। प्रश्न दूसरा है, यदि सूरज न निकलता और बगीचे में पेड़ चलते तो क्या होता? उसका उत्तर है, यदि सूरज न निकलता तो न होता तो हमें सूर्य का प्रकाश न मिलता, कहीं वनस्पति नहीं होती और हरियाली भी न होती। सूर्य के न निकलने पर न बादल बनते हैं और न बरसते हैं। बगीचे में पेड़ चलते तो बड़ी अफरा तफरी मच जाती, वे आपस में टकराते और उनकी शाखाएँ और टहनियाँ टूट टूट कर नीचे गिर जाते। प्रश्न छठा है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसमें मुहावरा पहला है, रोशन करना यानी प्रकाशित करना। वाक्य है, दीपक अपने प्रकाश से घर को रोशन करता है। दूसरा है, इंसान बनना यानी अच्छा आदमी बनना। वाक्य है, अच्छा काम करके
हम इंसान बन सकते हैं। प्रश्न तीसरा है नाम कमाना यानी यश पाना। गांधी जी ने दुनिया में नाम कमाया। प्रश्न सातवां है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसमें पहला है पुष्प यानी फूल, वाक्य है मुझे फूल पसंद है। दूसरा है सूरज यानी रवि, वाक्य है हम सूरज को नमन करते हैं। तीसरा है भूमि यानी धरती, यहाँ की धरती उपजाऊ है। चौथा है मानव इंसान अक्लमंद प्राणी है। पांचवा है दिया दीपक, वाक्य है रात में दीपक प्रकाश देता है। आठवां है कोष्ठक में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें पहले खाली जगह है तुम्हारा नाम क्या है। दूसरा है देखो तो कोई इधर ही आ रहा है। तीसरा है खाने के लिए कुछ तो दे दो, बहुत भूख लगी है। चौथा है मैंने अपना काम पूरा कर दिया। पांचवा है आप कहाँ जा रहे हैं। नौवा है प्रश्न कि निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। उसमें पहला है लड़का लड़के, दूसरा है पंखा पंखे, तीसरा है आँखें, चौथा है किताब किताबें, पांचवा है पौधा पौधे, छठा है पेंसिल पेंसिलें। यहाँ पर प्रश्न पाँचवा जो अधूरा जवाब था वह दिया गया है। प्रश्न पाँच का उत्तर पहला कि ईमानदारी से किए गए हमारे अच्छे काम ही दुनिया को सुखी और सुंदर बनाएंगे।